हरदा जिले के नेमावर थाना के अंतर्गत ग्राम करौन में नर्मदा नदी से संदिग्ध व्यक्ति को नाव द्वारा पार किया गया। सीहोर जिले से आए संदिग्ध व्यक्ति जिसको प्रशासन ने हरदा के टिमरनी में पकड़ा था। टिमरनी में क्वारंटाइन होने पर करौन माफी के लोगों की जांच कराई गई, जिसमें वह संपर्क में आया था, जिसमें 24 लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है और 4 लोगों को नेमावर से बने क्वारंटाइन रेन बसेरा में सुरक्षित रखा गया है। मौके पर ही पुलिस प्रशासन और डॉक्टर टीम प्रशासन के अलावा अधिकारी पहुंचे। सुबह 7 बजे से ही नेमावर थाना प्रभारी परिहार मय बल के साथ जाँच में जुट गए थे। खाते गाँव से सादिक खान की रिपोर्ट। ठीक है, देखो हो गई ना, बस अब अपने को सावधानी रखनी। सावधानी को बच के मतलब पैदल पैदल चल के करौन आया। करौन से नाव द्वारा उतार करके गुहेत में भेजा गया। गुहेत से पैदल चलते चलते टिमरनी पहुंचा। टिमरनी में SDM साहब ने उसको रोक करके चेकअप किया तो उसको बुखार था, वहीं पर उसको क्वारंटाइन कर दिया गया जी। फिर तहसीलदार मैडम हंडिया द्वारा सूचना ही हमारे यहाँ कि करौन में संतोष ठेकेदार और आशीष केवट दोनों ने उसको उतारा है संदिग्ध आदमी को जी। तो आज हम सुबह जांच दल गया, मेडिकल टीम भी ले गए, सब लोगों को बुलाया, जानकारी ली कि किस किस से वो मिला। तो 28 लोग ऐसे चिन्हित हुए, 28 लोगों का मेडिकल कराया गया, जिसमें 4 के टेम्परेचर और BP बढ़ा हुआ था, जिनको क्वारंटाइन निमावन किया गया रेन बसेरा में जी। और 24 लोगों को गांव में किया गया। ठीक। और हिदायत दी गई है कि अगर गांव से कोई निकलेगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब इंतजार है उस व्यक्ति का जिसको टिमरनी भरती है, यदि उसका सैंपल जाता है, पॉजिटिव निकलता है, निगेटिव निकलता है, उसके आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ठीक। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।